उत्तर प्रदेश में मदरसे एजुकेशन काउंसिल के जरिए तस्लीम शुदा 513 मदारिस को ताले लग जाएंगे। इन मदारिस ने रियासती हुकूमत को मदारस की जान पहचान वापस लेने के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसे काबीना मीटिंग में हरी झंडी दे दी गई है। मंगल को यूपी मदरसा एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें इनके मदारिस की शनाख्त ख़त्म करने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। इस सिलसिले में रूल्स 2016 के मुताबिक एक रजिस्ट्रार को मजीद कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। यूपी मदरसा एजुकेशन काउंसिल के ज़ेर इंतज़ाम ये 513 मदारिस रियासत के मुख्तलिफ अजला में चल रहे हैं, जिसके बाद इन मदारिस के चलाने वालों ने इनकी शनाख्त ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर की थी। उत्तर प्रदेश में बग़ैर पहचान के चलने वाले मदारिस के धोखादही के खिलाफ हुकूमत की जानिब से सख्त कार्रवाई करने के बाद मदरसा चलाने वालों ने यह फैसला लिया है, जिसको मदरसा बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी गई है। इस सिलसिले में मदरसा एजुकेशन काउंसिल के रुकन खमर अली ने कहा कि रियासत के 513 मदारिस ने काउंसिल को अपने मदारिस की शनाख्त से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त दी थी, जिसके पीछे इन्होंने अपनी अपनी वजूहात बताई है। मदरसा चलाने वालों का कहना है कि पहले मदारिस को पहचान और इख्तरा सिर्फ अखिलियती बहबूद ऑफिसर की सतह पर की जाती थी, लेकिन अब यह इख्तियार रजिस्ट्रार को दे दिया गया है।